गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट टाइम हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था कल, जिसमें हमने लाइव स्टॉक और लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट के बारे में बात किया था। उसी में देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा कैटल है, दैट इज सीप। जैसे कैटल्स के बारे में आपने पढ़ा, काऊ एंड कुछ ब्रीड के बारे में आपने पढ़ा, वो किस लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखिएगा सीप। सीप का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है ओविस एरिस। टुडे सीप आर रेज्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेजेंट टाइम में सीप जो है पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। दे आर रियर्ड फॉर द ऊल, मटन एंड मोस्टली इन द हिली ट्रैक्ट। देखिएगा, इनका जो पालन होता है, भेड़ पालन जो होता है वो बेसिकली ऊन के लिए होता है, मटन के लिए होता है, उनके मीट के लिए होता है। हाई क्वालिटी सॉफ्ट ऊल सहतूस इज ऑब्टेन्ड द एनिमल चीरू। असीप लिव्स फॉर अबाउट 13 ईयर। तो जो अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट ऊल होता है वो सहतूस कहलाता है। एनिमल होता है चीरू, उससे होता है भेड़ है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 साल का होता है, 13 ईयर। ब्रीडिंग ऑफ सीप देखेंगे। सीप बिगिंस ब्रीडिंग एट ऑफ अबाउट 2 ईयर एंड देन हैव एंग वंस एवरी ईयर। तो भेड़ जो है लगभग 2 साल के बाद जो है एंगवन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, यानी बच्चे जन्मना शुरू कर देती है, और लगभग हर एक साल जो है हर साल बच्चे को जनती है, जन्म देती है। आफ्टर दैट सीप टेंडर ग्रास वीड्स ऑफ पास्चर एंड हिल साइड्स। इनको टेंडर ग्रास खिलाई जाती है, पास्चर वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उन पे ये फीड करती हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीप क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर यूजुअली डन। तो सीप की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फॉर दिस पर्पज अ गुड क्वालिटी ऊल यील्डिंग आर मटन प्रोड्यूसिंग सीप इज चूजन एंड क्रॉस ब्रीड विद द एग्जॉटिक ब्रीड लाइक द डॉर्सेट हॉर्न एंड मरीनो। ठीक है, बेसिकली जिस पर्पज से हम सीप को पाल रहे हैं, ऊन के लिए या मटन के लिए, तो उसी के अच्छे ब्रीड के साथ उसका क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है एग्जॉटिक ब्रीड के साथ। देखेंगे डेकनी एंड नीलोर ब्रीड आर रेज्ड ओनली फॉर द मटन। भेड़ की वैरायटी हैं, ब्रीड हैं डेकन, इनका रियरिंग जो होता है, इनका पालन जो होता है वो मटन के पर्पस से होता है। पटनवादी प्रोवाइड द ऊल फॉर द आर्मी होजरी। पटनवादी जो भेड़ होती है उसके ऊल से आर्मी की होजरी, आर्मी वालों के कपड़े बनाए जाते हैं। नील द कोर्स ऊल, नरवारी से रफ ऊल मिलता है, कोर्स का मतलब होता है रफ। फोर ब्रीड यील्ड गुड ऊल, चार ब्रीड जो हैं अच्छी ऊल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे रामपुर, बुशहर, ब्राउन फ्लीस फॉर द सुपीरियर क्लॉथ, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए बुशहर से ऊल ऑब्टेन किया जाता है। लोही क्वालिटी ऊल आल्सो मिल्क, इनसे ऊन भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है। बकरवाल अंडर कोट ऑफ सॉल, सॉल का अंडरकोट बनाया जाता है। एंड नाली दैट इज कारपेट वूल, कोर्स वूल होता है, रफ होता है, तो उसे कारपेट बनाया जाता है। सम ब्रीड ऑफ इंडियन सीप देखेंगे। जैसे ब्रीड का नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किस जगह पर पाई जाती हैं और किस पर्पस से उपयोग किया जाता है, यूजेज क्या है इनके। लोही
ये ब्रीड जो है पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है, मिल्क और अच्छी क्वालिटी का उल प्रोवाइड करती है, मिल्क एंड गुड क्वालिटी उल। रामपुर बुसैर यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां पर पाई जाती है। इससे सुपीरियर क्वालिटी के क्लॉथ बनाए जाते हैं एंड ब्राउन कलर फ्लीस होता है। इसका जो ऊन होता है उसकी उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है। नाली हरियाणा पंजाब राजस्थान में सुपीरियर कारपेट ऊल प्रोवाइड करती है। बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। अंडरकोट यूज फॉर द हाई क्वालिटी ऑफ सॉल, अच्छी क्वालिटी के सॉल को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डेकनी से ये कर्नाटका रीजन में पाई जाती है। मटन के लिए सिर्फ रियर किया जाता है इसको, इससे उल ऑप्टेन नहीं होता, नो उल। नेलोर महाराष्ट्र रीजन में पाई जाती है, इसका भी मटन के पर्पज से ही रेजिंग किया जाता है, नो वूल। मरवारी गुजरात में पाई जाती है, कोर्स उल ऑप्टेन होता है इससे। एंड पटनवादी गुजरात में वूल फॉर द आर्मी होजरी। नेक्स्ट लाइव स्टॉक है हमारा गोट, दैट इज कापरा। इसमें बेसिकली जो है कोई खास पॉइंट नहीं है। इसमें लास्ट का पॉइंट एक देख लीजिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, गोट लेस देन अ ईयर इज कॉल्ड किड। द फाइन सॉफ्ट उल कॉल द पश्मीना इज अंडर फर ऑफ द कश्मीर एंड तिब्बत गोट। तो पश्मीना जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्मीना जो है उल किससे ऑप्टेन किया जाता है। पश्मीना एक अच्छी क्वालिटी का उल माना जाता है जो गोट से ऑप्टेन किया जाता है, बकरी से। सम गोट ब्रीड्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें कश्मीरी पश्मीना हिल्स ऑफ कश्मीर एंड तिब्बत में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा मरवारी है राजस्थान में एंड मलबरी केरला में। बस इतना आप याद रखेंगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगला देखेंगे पाउल्ट्री। पाउल्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम बर्ड्स को रियर करते हैं, उनकी रेजिंग करते हैं, तो वो पाउल्ट्री होता है। पाउल्ट्री फार्मिंग के बारे में देखेंगे। पाउल्ट्री इज द वर्ड यूज्ड फॉर द बर्ड्स। पाउल्ट्री का उपयोग किसके लिए? बर्ड्स के लिए किया जाता है। विच कैन बी ब्रीड फॉर द इकोनॉमिक पर्पजेज। इनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इकोनॉमिक पर्पजेज के लिए करते हैं। इनकी रेजिंग जो है इकोनॉमिक पर्पज से की जाती है। इट इंक्लूड्स डक। क्या क्या पाउल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है देखिएगा। डक, गीज, टर्की, गुइना फाउल्स, पी फाउल्स यानी पीकॉक, पिजन एटसेट्रा फॉर दियर मीट एंड एग्स। तो बर्ड्स की रियरिंग एंड रेजिंग फॉर द मीट परपजेज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग। पाउल्ट्री एंड पाउल्ट्री प्रोडक्ट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। देखिए जो पाउल्ट्री फार्मिंग है उससे जो मीट या ऑब्टेन करते हैं हम, दैट इज द मीट एंड एग इज द रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड राइट काइंड ऑफ फैट फॉर द गुड हेल्थ। और अच्छी क्वालिटी का फैट इससे इन आवर कंट्री पाउल्ट्री मेनली मीन्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन्स फॉर द मीट एंड एग्स। हमारे देश में पाउल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन। मतलब मेनली लोग समझते हैं कि दैट इज डोमेस्टिक चिकन्स फॉर द मीट एंड एग, लेकिन अदर कंट्रीज में और भी बर्ड्स पाली जाती हैं, गीज है, टर्की है एटसेट्रा। इंडिया स्टैंड्स एट सिक्स प्लेस इन द पाउल्ट्री फार्मिंग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पाउल्ट्री में इंडिया का छठा स्थान है। इन इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन एनुअली इज ओनली 19 एग एंड 20 ग्राम ऑफ मीट। अगर पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें इंडिया में,
एनुअल कंजप्शन है 19 एग एंड 20 ग्राम ऑफ मीट. द न्यूट्रिसिटी ऑफ आईसीएमआर, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज रिकमेंडेड एन एग पर डे दैट 300 एग्स पर एनम पर्सन एंड 180 ग्राम मीट पर डे पर पर्सन. देखिए आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो है हर एक आदमी को एक अंडा पर डे लेना चाहिए और 180 ग्राम मीट पर पर्सन लेना चाहिए, तब जाकर के उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी. तो कई सारे एनजीओ वगैरह के एड भी आते हैं, टीवी में भी आपने सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, दैट मीन्स कि पर पर्सन 1 एग का कंजप्शन होना चाहिए. पाउल्ट्री फार्मिंग देखेंगे, पाउल्ट्री बर्ड्स आर इजी टू रेज एंड कैन एक्लिमेटाइज टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. तो जो पाउल्ट्री बर्ड्स होती हैं उनका उनका पालन करना आसान होता है, उनको ये वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं, अलग अलग तरह के मौसम में सर्वाइव कर सकती हैं. एंड दे आर प्रोलिफिक दैट इज हाईली रिप्रोडक्टिव एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन. तो इनका रिप्रोडक्शन रेट जो है काफी हाई है और इनका लाइफ स्पैन जो होता है कम होता है. देयर प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ मनी, इनके प्रोडक्ट से जो है इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलता है, यानी दैट इज द रिच सोर्स ऑफ मनी. इंडियन ब्रीड्स लेज 60 एग पर ईयर इन कंपैरिजन टू द एग्जॉटिक ब्रीड दैट लेज 270 एग्स पर ईयर. देखिए जो इंडिजिनस ब्रीड है, इंडिया में पाई जाने वाली पोल्ट्री या चिकन की ब्रीड है, वो लगभग हर हफ्ते एक अंडे प्रोड्यूस करती है, यानी लगभग पूरे साल भर में 6 अंडे प्रोड्यूस करती है. जबकि जो एग्जॉटिक ब्रीड होती है वो लगभग पर डे 1 अंडे प्रोड्यूस करती है, या पूरे साल भर में लगभग मिलाकर के 270 अंडे प्रोड्यूस करती है एग्जॉटिक ब्रीड की जो चिकन्स होती हैं, जिनको हम बाहर से लाके पालते हैं. पाउल्ट्री फार्मिंग इज एडवांटेजियस ओवर द अदर इंटरप्राइजेज. तो पाउल्ट्री फार्मिंग जो है और कामों की तुलना में ज्यादा फायदेमंद क्यों है? पहला, इट यील्ड्स क्विक रिटर्न, नीड लिटिल स्पेस एंड इजी टू मैनेज. तो इसका रिटर्न जो है काफी कम समय में अच्छा है, इसके लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है, कम स्पेस चाहिए होता है एंड आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है. चिकन्स आर द ब्रीड इन लार्ज कॉलोनीज इन स्पेशल प्लेसेस कॉल्ड द पाउल्ट्री फार्म्स. तो किसी बड़ी जगह पर अगर इनको पाला जाता है तो उसको हम पाउल्ट्री फार्म बोलते हैं. द पाउल्ट्री बर्ड्स आर केप्ट इन द ड्राई कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड केजेज. तो जहां पे है तो वो ड्राई होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी गैसेस एक्सचेंज वहां प्रॉपर होना चाहिए. सेपरेट रूम्स और कंपार्टमेंट्स आर मेड फॉर द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. अलग अलग एज ग्रुप के बर्ड्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं वहां पे. द फ्लोर हाउसिंग इज मोर कॉमन, द फ्लोर इज कवर्ड विद द हस्क एंड स्ट्रॉ. तो फ्लोर हाउसिंग जरूरी होना चाहिए कि जमीन जो है वो फर्श हो, पूरा मिट्टी ना हो, क्योंकि मिट्टी में से डिजीजेज इनको ज्यादा होती हैं. ठीक है, तो फ्लोर हाउसिंग होनी चाहिए और फ्लोर पे जो है हस्क और स्ट्रॉ जो है पूरा बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है इनके खाने पीने के लिए. द फार्म इज रेड प्रूफ विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. तो जो फार्म होना चाहिए वो रेड प्रूफ होना चाहिए और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो वहां का, जो वेस्ट डिस्पोजल उसको आसानी से वहां से निकाला जा सके. द फीड ऑफ पाउल्ट्री बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ सीरियल्स. तो जो मुर्गियों को दाना या पाउल्ट्री फार्म में बर्ड्स को दाना खिलाया जाता है उसमें सीरियल्स होते हैं, यानी अनाज होते हैं, मिलेट्स ऑयल केक होता है, फिश एंड मीट मील होता है, मतलब मछली मीट के टुकड़े होते हैं, मिनरल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स,
फिश सिलेज यानी मछलियों को काटने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो, एंड प्रोटीन कंसंट्रेट एटसेट्रा। पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड देखेंगे, हेन स्टार्ट लेइंग एग एट द एज ऑफ 6 मंथ, 6 मुर्गी जो है अंडा देना शुरू कर देती है। देन द नंबर ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग विंटर आर, एग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द विंटर आर मोर कंपेयर टू द समर, इसको टेम्परेचर इफेक्ट बोलते हैं। मुर्गियां जो है ठंडियों में ज्यादा अंडे या ज्यादा एग प्रोड्यूस करती हैं एज कंपेयर टू द समर सीजन, टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। मेजोरिटी ऑफ द हेंस स्टार्ट लेइंग एग फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस टिल द अगस्त। तो कई सारी मुर्गियां जो होती हैं वो फरवरी से अंडा देना शुरू करती हैं और अगस्त तक देती हैं। मानसून पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑफ सुटेबल टाइम फॉर ऑब्टेनिंग चिकन्स फ्रॉम द एग्स। तो जो मानसून पीरियड होता है उस दौरान वो समय जो है ज्यादा सुटेबल होता है, मतलब अंडे से चूजे को तैयार करने के लिए, दैट इज ऑब्टेनिंग चिकन फ्रॉम द एग्स। अगला देखेंगे द डोमेस्टिकेटेड फाउल। फाउल का मतलब होता है पक्षी, दैट इज गैलस। गैलस कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला देखेंगे इंडिजिनस या देसी या इंडियन ब्रीड। इंडियन ब्रीड में कौन कौन सी आती है, हेन की ब्रीड देखेंगे, एसएल है, गागुस है, कड़कनाथ है, ब्रह्मा, बर्सा, ब्लैक बंगाल, चित्तागोंग, टेलीचेरी एटसेट्रा, ये सब इंडिजिनस ब्रीड हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। एसएल इज द बेस्ट गेम बर्ड इज यूज्ड इन द कॉक फाइटिंग, जिसमें एसएल जो है, एसएल ब्रीड के जो मुर्गे होते हैं कॉक होते हैं उनका यूज हम कॉक फाइटिंग में करते हैं। पाउल्ट्री बर्ड्स एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर द मीट इज कॉल्ड द ब्रॉयलर, फॉर एग्जांपल प्लेमाउथ रॉक। जो जिन मुर्गियों का जो मुर्गियां सिर्फ मीट के पर्पज से ग्रो कराई जाती हैं उनको हम ब्रॉयलर बोलते हैं। एग्जाम्पल है प्लाईमाउथ रॉक। इंडिजिनस ब्रीड्स आर स्लो ग्रोइंग, लेस इफिशियंट एंड कन्वर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स फीवर एग, दैट इज 60 पर ईयर। तो जो इंडिजिनस ब्रीड है इनमें ग्रोथ काफी स्लो होती है, इनकी इफिशियंसी जो है कन्वर्जन की वो बहुत ही कम है, एंड एग का जो प्रोडक्शन है वो ओनली 60 पर ईयर है। लगभग 6 से 7 दिन में एक अंडे प्रोड्यूस करते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड में देखेंगे व्हाइट लेग हॉर्न है, रॉडी आइलैंड रेड है, प्लाईमाउथ रॉक है, न्यू हैम्पशायर है, ससेक्स, ऑस्ट्रेलोर्प एंड मिनोर्का है एटसेट्रा है। तो इसमें आप कुछ भी कुछ याद रख सकते हैं, ज्यादा ना याद रखिए तो व्हाइट लेग हॉर्न, प्लेमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर एटसेट्रा, ये 3 आप कम से कम याद रखें कि ये एग्जॉटिक ब्रीड है। एनिमल हस्बेंड्री का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेरिकल्चर, इसको बोलते हैं रेशम कीट पालन। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म बाय रियरिंग प्रैक्टिस ऑन द कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। मतलब रेशम का बड़े पैमाने पर यानी कमर्शियल स्केल पर उत्पादन ही क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। तो सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं,
सिल्क वर्म का प्रोडक्शन करते हैं जिससे हमको रॉ सिल्क ऑब्टेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्क वर्म वर डिस्कवर्ड इन चाइना। अगर हम सिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो सिल्क वर्म की डिस्कवरी है वो चाइना में की गई। इन इंडिया मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन आसाम, बंगाल, मद्रास, पंजाब, कश्मीर एंड कर्नाटका, ये राज्य जो हैं यहाँ पर ज्यादा मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज 2969 टन पर ईयर। इंडिया रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। पूरी दुनिया में इंडिया का तीसरा स्थान है सिल्क के प्रोडक्शन में। मैसूर दैट इज प्रेजेंट इन द कर्नाटका इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट। तो सबसे ज्यादा मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन जो है मैसूर यानी कर्नाटका में होता है। टाइप ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म देखेंगे। पहला है मलबेरी सिल्क वर्म। मलबेरी सिल्क वर्म या जो इंसेक्ट होता है जैसे ऑप्टेन किया जाता है उसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। अंडरलाइन कर लीजिएगा सिल्क वर्म। फीड ऑन द मलबेरी दैट इज मलबेरी पे फीड करता है प्लांट है तो उसे मलबेरी सिल्क ऑप्टेन होता है। तसार सिल्क वर्म एंथ्रिया रॉयली विच फीड ऑन द ओक। ओक ट्री पर फीड करती है और तसार सिल्क ऑप्टेन होता है इससे। नेक्स्ट है एरिया अरुंधी सिल्क वर्म अटैकस रिसिनस रिसिनी है दैट फीड ऑन द कैस्टर इससे एरी सिल्क ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट है मूगा सिल्क एंथेरिया असामा फीड्स ऑन द ओक एंड अदर फॉरेस्ट ट्री दैट इज मूगा सिल्क। नेक्स्ट है थायोपेरिया रिलीजियोसा फीड्स ऑन द मैकुलस एंड फ्यूकस स्पीसीज और इसे देव मूंगा सिल्क ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिल्क ग्लैंड ऑफ द सिल्क वर्म। देखिए जो सिल्क होता है वो सिल्क वर्म के सलेवरी ग्लैंड से ऑब्टेन होता है। सिल्क ग्लैंड होता है बेसिकली वो फीड करते हैं और सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सलेवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वी ऑफ कैटरपिलर ऑफ द इंसेक्ट बॉम्बिक्स मोराई या इसी को मलबेरी सिल्क मॉथ बोलते हैं। तो इसी से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है कैटरपिलर से यानी उसका लार्वा होता है। दीज कैटरपिलर्स फॉर्म अ ककून अराउंड देम और ये क्या करते हैं उसी सिल्क से अपने चारों तरफ एक कवरिंग फॉर्म करते हैं जिसको ककून बोलते हैं। द ककून आर कुक्ड इन द हॉट वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्टिफिंग एंड द सिल्क फाइबर इज अनवाउंड फ्रॉम द ककून। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग ऑल फोर वैरायटी ऑफ सिल्क। इंडिया ही पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पे सभी तरह के सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखेंगे बेसिकली जो प्लांट होता है उस प्लांट की लीफ पर इनका जो कैटरपिलर होता है लार्वा होता है ये फीड करता है। तो कैटरपिलर लार्वा जो है इस पत्ती को फीड करेगा खाएगा धीरे धीरे और कैटरपिलर जो है किसी ट्विग से टहनी से जाकर अटैच हो जाता है और अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोकून। ये अपने सलेवरी ग्लैंड के द्वारा ही प्रोड्यूस करता है या सिल्क ग्लैंड के द्वारा ही इसको प्रोड्यूस करता है। फिर हम इस लकड़ी के टुकड़े को इतना काट लेते हैं इस प्लांट से इट्स ट्विग को टहनी को काट लेते हैं और उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे ये ककून अनवाइंड हो जाता है खुल जाता है और इस तरीके से हमको
रॉ सिल्क ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एपीकल्चर। एपी का मतलब होता है, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। देखिए हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, इसके छत्ते में तीन तरह के मेंबर पाए जाते हैं। क्वीन सिंगल होती है, ड्रोन 100 से 200 की संख्या होती है, एंड वर्कर्स। इन मिलियंस लाखों में होते हैं। तो ये तीनों मेंबर की बात हो गई। क्वीन जो होती है ये डिप्लॉयड होती है, ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, वर्कर भी डिप्लॉयड होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32, तो इसका हो जाएगा 16 और इसमें भी होगा 32। यानी क्वीन जो होती है ये फर्टाइल होती है और फीमेल होती है। ड्रोन जो होता है ये फर्टाइल होता है बट मेल होता है। इसमें फर्टाइल मेल होता है। वर्कर्स जो होती हैं वो स्टराइल फीमेल्स होती हैं। तो देखेंगे एपीकल्चर में एपीकल्चर द साइंस द साइंटिफिक मेथड ऑफ केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी इज कॉल्ड द एपीकल्चर। तो साइंटिफिक तरीके से केयर हो, मैनेजमेंट हो हनी बी का, तो इसी को हम एपीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन बोलते हैं। ऑल्दो बीज आर वेरी एक्टिव थ्रू आउट द ईयर बट इन द विंटर दे बिकम स्लगिश एंड वेरी लेस एक्टिव इन द स्प्रिंग। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो विंटर सीजन में बहुत ही स्लगिश होती हैं, बाकी ऑल सीजन में ज्यादा एक्टिव होती हैं। उस दौरान ये फ्लावर से नेक्टर को सक करके लाती हैं और अपने छत्ते के अंदर हनी का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि उसको स्टोर करती हैं जो बाद में हनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो इन फ्लावर के नेक्टर को स्टोर करने का उनका एक ही पर्पज होता है कि वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें। दे सो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग शेप साइज आकार के होती हैं। क्वीन ड्रोन वर्कर्स गुड डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ रहता है इसमें। द डायमीटर ऑफ नॉर्मल वी हाइव इज अबाउट 30 to 90 सेंटीमीटर। इन इट द नंबर ऑफ बीज इज अबाउट 50 to 60,000। तो मधुमक्खी के छत्ते की अगर बात करें, हनी बी हाइव की अगर बात करें, तो उसका साइज जो होता है वो 30 से 90 सेंटीमीटर तक होता है, जिसमें लगभग 50 से 60 हजार मेंबर पाए जाते हैं। बीज आर पॉलिनेटर्स ऑफ सनफ्लावर, ब्रसिका, एप्पल एंड पियर। तो मधुमक्खियां जो
हैं वो जब फ्लावर के नेक्टर को सक करने के लिए इनसे दूसरे प्लांट पर जाती हैं, तो उसी दौरान ये एक प्लांट से पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट्स तक ट्रांसफर करती हैं। दैट मीन्स दे आर द गुड पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर कहलाती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी। तो हनी बी के कॉलोनी में एक बहुत ही अच्छे तरीके का ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, यानी सबका काम स्पेसिफाई होता है। ईच कॉलोनी हैज मोर देन 40,000 टू 50,000 इंडिविजुअल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कास्ट। तीन ग्रुप में पाए जाते हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ हनी लीजिएगा, जैसे कि एपिस डॉर्साटा कॉमनली नोन एज द रॉक बी, इट इज आल्सो नेम्ड एज द सरंग बी। तो सरंग बी भी इसको बोलते हैं, एपिस डॉर्साटा को। इट इज द लार्ज एंड प्रोड्यूसेस हाईली यील्ड ऑफ हनी, सबसे ज्यादा मात्रा में शहद जो है ये प्रोवाइड कराती है, एपिस डॉर्साटा। हाउएवर इट इज हाईली अग्रेसिव नेचर एंड माइग्रेटरी स्पीसीज विच इज नॉट सुटेबल फॉर द रियरिंग ऑफ मैन। तो चूंकि इनका नेचर जो होता है काफी अग्रेसिव होता है, गुस्से वाली होती हैं और माइग्रेटरी होती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, तो इसलिए ह्यूमन बींग के द्वारा इनकी इनका जो कल्चर है वो आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है एपिस इंडिका कॉमनली नोन एज इंडियन मोना बी, इट लिव्स अक्रॉस द होल कंट्री ऑफ द इंडिया एंड इज स्मॉलर इन द साइज देन द सरंग बी। तो ये पूरे देश में पाई जाती हैं एपिस इंडिका, और इनका साइज जो होता है वो सरंग बी से छोटा होता है। इट इज माइल्ड इन नेचर सो दैट इट इज इजिली मैनेजेबल ड्यूरिंग द रियरिंग एंड मोना बी यील्ड्स अबाउट 3 to 4 केजी ऑफ हनी पर हाइव। तो देखेंगे यहाँ पे सरंग एपिस इंडिका जो होती हैं ये कम गुस्से वाली होती हैं, तो इनको कंट्रोल करना आसान होता है, इसलिए इनकी रियरिंग पॉसिबल हो पाती है। और हर एक छत्ते से एपिस इंडिका या इंडियन मोनाबी के छत्ते से लगभग 3 से 4 केजी हनी हमको मिलता है। नेक्स्ट फ्लोरिया, इसको बी इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो ये सबसे छोटे साइज की मधुमक्खी होती हैं। इट ओनली यील्ड्स अबाउट 250 ग्राम ऑफ हनी एवरी हाइव, तो इसके पूरे छत्ते से लगभग 200 ही हनी मिल पाता है। हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर कमर्शियल पर्पस, तो इस तरीके की स्पीसीज का उपयोग हम कमर्शियल स्केल पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिस मेलिफिका यूरोपियन बी बोलते हैं, दिस बी इज द माइल्ड नेचर एंड यील्ड 9 to 10 टाइम मोर हनी देन द मोना बी एंड इट इज द मोस्ट यूजफुल बी ऑफ द कमर्शियल पर्पज। द इटालियन वैरायटी ऑफ दिस स्पीसीज इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी। तो बेसिकली देखेंगे जो एपिस मेलिफेरा है ये अदर हनी बी के कंपैरेटिवली 9 से 10 गुना ज्यादा हनी प्रोवाइड करती है, तो इसका हम उपयोग कमर्शियल पर्पस से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से मेंबर पाए जाते हैं हनी बी कॉम्ब में। पहला है क्वीन, क्वीन के बारे में लिखेंगे।
इट इज अबाउट 15 to 20 मिलीमीटर लॉन्ग, मतलब 1 से 1.5 से 2 सेंटीमीटर की साइज की, एंड इट्स बॉडी इज अबाउट 3 टाइम लॉन्गर एंड 3 टाइम्स हैवियर। नॉर्मल हनी बी के कंपेरेटिवली जो क्वीन होती है उसका साइज लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा और 3 गुना ज्यादा हैवी हो देन द वर्कर बी। द लेग्स एंड विंग्स आर टर्बट, क्रॉप इज लॉन्ग, तो इसका लेग और विंग्स छोटा होता है, लेकिन क्रॉप जो स्टोरेज साइट होता है फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक होता है ऐसे ही इनमें क्रॉप पाया जाता है, तो उसका साइज बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। इट इज फिल्ड विद द एग, इसके पास ओबरी पाई जाती है और एग से भरी हुई होती है। ओनली वन क्वीन डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, तो क्वीन का जो फॉर्मेशन होता है वो एग के फर्टिलाइजेशन से होता है, दैट इज हैज 32 क्रोमोसोम्स एंड इट फीड्स ऑन द रॉयल जेली। अंडरलाइन कर लीजिएगा, रॉयल जेली एक प्रोटीनेशियस डाइट होती है। एक्चुअली फीमेल अगर अनफर्ट प्रोड्यूस करती है तो उससे मेल ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करती है तो उससे आगे चल करके क्वीन या वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है। इट्स सोल फंक्शन इज रिप्रोडक्शन, तो क्वीन का एक ही काम होता है रिप्रोड्यूस करना। इट 2000 eggs एवरी डे, लगभग एक मधुमक्खी 2000 अंडे हर एक दिन प्रोड्यूस करती है। एंड वन क्वीन लेज अप्रोक्स 15 lakhs एग इन द होल इट्स लाइफ टाइम, तो एक मधुमक्खी लगभग अपने पूरे जीवन काल में 15 लाख अंडे प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरह के मेंबर होते हैं ड्रोन्स, अबाउट 100 males बीज, तो इनकी संख्या लगभग 100 से 200 की होती है पूरे छत्ते में। आर प्रेजेंट इन वन हाइव, देयर आर अप्रोक्स 7 to 15 मिलीमीटर लॉन्ग, इनकी लंबाई जो होती है 7 से 15 मिलीमीटर होती है। इन दीज सलेवरी एंड वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर एंड स्टिंग्स आर एब्सेंट, तो ड्रोन में ना तो सलेवरी ग्लैंड होता है, ना वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, ना ही स्टिंग होता है, डंग भी नहीं होता है। Their sole duty to fertilize the queen, इनका एक ही काम है क्वीन को फर्टिलाइज कर। Drones are developed for the utilized egg, so there are only 16 chromosome per them. तो ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, मतलब जिस एग का फर्टिलाइज नहीं होता है, तो सिर्फ फीमेल एग से ही ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसमें 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। थर्ड एंड लास्ट मेंबर हैं वर्कर्स, देयर नंबर इज मैक्सिमम इन द हाइव, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की। दीज आर स्मॉलर बी, स्मॉलेस्ट बी, सबसे छोटे साइज की होती हैं। देयर विंग्स एंड माउथ पार्ट आर वेरी स्ट्रांग, इनका विंग और माउथ पार्ट काफी स्ट्रांग होता है। दियर माउथ पार्ट्स एंड लेग्स आर मॉडिफाइड टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड टू कलेक्ट द पोलन ग्रेन रिस्पेक्टिवली, इनका माउथ पार्ट स्ट्रांग होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ नेक्टर, यानी फूलों का रस को चूज कर लाती हैं। एंड जो इनका लेग होता है उस पे मॉडिफाइड पोलन बैग पाए जाते हैं जिसके अंदर ये पोलन को इकट्ठा करके लाती हैं। पॉलन बास्केट इज प्रेजेंट ऑन द हाइंड लेग, यानी पिछले इनके पॉलन बास्केट पाया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलन। पॉलन पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट एट द बेस, दैट इज 2nd to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट, दूसरे से पांचवें एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में वैक्स ग्लैंड पाया जाता है, जिससे ये उसी वैक्स की मदद से हाइव का फॉर्मेशन करती हैं, छत्तों का फॉर्मेशन करती हैं वर्कर्स। वर्कर बीज आर स्टराइल फीमेल, वर्कर बीज क्या होती हैं बेसिकली, स्टराइल होती हैं, फीमेल होती हैं, स्टराइल फीमेल्स होती हैं। दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज, वर्कर का फॉर्मेशन जो होता है वो फर्टिलाइज एग से होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 2n = 32 होती है। Due to
ऑफ लेबर द लाइफ टाइम ऑफ अ वर्कर बी इज अबाउट 6 to 8 weeks. बहुत ज्यादा काम करने की वजह से इनका स्पैन होता है वो 6 से 8 हफ्ते का होता है, यानी 1.5 से 2 महीने का होता है, उसके बाद ये मर जाती है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट है आपका लैक कल्चर, लाख उत्पादन, फिर है फिश एंड फिशरीज, फिर हम बात करेंगे बायोपेस्टिसाइड्स की.